हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज बिहार एससी का जो 9 दिसंबर का, देखिए एक शिफ्ट का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो देखा है, देखिए मैंने बच्चों से पूछा है और बहुत बच्चे बहुत करेक्टली आंसर जवाब दिए थे, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन बना था, देखिए क्या कंकाल पुस्तक के लेखक का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद जी थे, कंकाल पुस्तक जो बहुत ही पॉपुलर पुस्तक थी, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, ठीक है ना। ये जीके में, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जन आरोग्य योजना के नियम किन में फायदे है। देखिए योजना जो है ना, जन आरोग्य योजना मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये मतलब लागू की गई थी। तो योजना जो है ना किन में फायदे हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम भी है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम भी है और इसके तहत 10 करोड़ परिवार यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। इस स्कीम के तहत, देखिए इस स्कीम के तहत आपको 10.74 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोग लाभार्थी हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें से 8 करोड़ ग्रामीण परिवार है और 2.4 करोड़ आपके शहरी परिवार हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस टॉपिक के इस क्वेश्चंस का इतना आपका डेटा, ठीक है ना। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ पढ़िए, बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन आज इससे, ये 100% रियल क्वेश्चन है। तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है ना। देखिए पाउंड स्टर्लिंग क्वेश्चन पूछा है, पाउंड स्टर्लिंग किस देश की करेंसी है। तो पाउंड स्टर्लिंग आपकी यूके यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है और इसकी यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है। तो ये लंदन हो जाएगी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो करेंसी और कैपिटल का भी अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको भी आप चेक करते रहिएगा। PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, इससे भी एक प्रश्न बना था। तो प्रश्न अच्छे से बच्चों ने बताना नहीं पाया उन्होंने कि क्वेश्चन क्या था। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए अगर ये पूछा जाए कि PIL होता क्या है, तो देश के हर नागरिक के संविधान की ओर से 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। यह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और मूल अधिकार का पाने का रास्ता। ये हो जाएगा PIL, ठीक है ना। फेक और फॉल्स गोल्ड इज मेड अप विथ, मतलब जो गलत जो है ना सोना, जो मतलब ऐसे सोने का जो परत चढ़ाई जाती है वो मतलब कैसे बनते हैं। तो अमलगमेशन हो गया, अमलगमेशन और फ्लोटेशन, ये दो टेक्निक के वजह से आप गोल्ड को मेड करते हैं, मतलब गोल्ड बना सकते हो, सोना का उत्पाद कर सकते हो, ये बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक था तो आप ठीक है उसका टिक किए होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ओम्बड्समैन स्कीम किस वर्ष में लागू की गई थी। तो कल भी इसका एग्जाम होने वाला, तो कल का भी शिफ्ट का मैं पेपर दूंगा आपका, आप उसमें मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ओम्बड्समैन स्कीम किस वर्ष में लागू की गई थी। तो ओम्बड्समैन स्कीम है ना, न्यूजीलैंड में लागू की गई थी अंडर किसके पार्लियामेंट कमिश्नर द्वारा। ओम्बड्समैन एक्ट बोला जाता है उनको, 1962, जो पार्लियामेंट के जो कमिश्नर हैं ओम्बड्समैन के नाम से ही ये एक्ट चालू किया गया था, ठीक है ना। ये स्कीम है जो हर वर्ष लागू की जाती है, हर वर्ष लागू किया जाता है। और ये किस पूछा गया था किस वर्ष में लागू की गई थी, 1962 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अगर पूछा जाए कि आयरन जो लौह उत्पाद होता है और लौह अयस्क का जो उत्पाद होता है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कर्नाटका के साथ साथ देखिए कौन कौन से और राज्य में होता है, ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और गोवा, जो ये जो राज्य हैं सारे के सारे मिलाकर 99% लौह उत्पाद करते हैं पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो कर्नाटका 25% प्रोड्यूसर है, तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर यही होता है कर्नाटक में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से क्या है, तो ये क्वेश्चन इसका भी बना था। देखिए अमेरिकी फर्म हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 81वें नंबर पे था और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जिस जो फिर भी वो क्या हो रहा है कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत से आगे है, ठीक है ना। एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, लेकिन वो फिर भी भारत भारत के मुकाबले सबसे आगे है पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए मालदीव को कम से कम 87 वीज़ा मिलते हैं देशों को बाहर जाने के लिए, और भारत को सिर्फ 60 देशों के वीज़ा ही मिलते हैं, मतलब इसको 87 देशों के वीज़ा मिलते हैं मालदीव को, और भारत को सिर्फ 60 देशों के वीज़ा मिलते हैं। जो 660 कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे ये भारत के जितने भी पीपल्स हैं वो बस कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। ये क्वेश्चन आज आया था, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2017 पूछा गया था, कौन है
कौन थी, तो ये मानुश्री छिल्लर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। और नमीबिया का कैपिटल पूछा गया था, ये विंड हॉक हो जाएगा नमीबिया का कैपिटल। तो कैपिटल और करेंसी मैंने बोला है कि वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल्पना वन सेटेलाइट इन विच टाइप, कौन से टाइप का है, तो मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट है, एक मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट है ये। इसके किसके द्वारा बनाया गया, ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। बिहार में रेल पहिया का कारखाना कहाँ पर, छपरा में हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बिहार बोर्ड से देखिए एक रेलवे का क्वेश्चन बनेगा ही, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लगाते रहिए, ठीक है ना। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ये फलों से संबंधित है सुनहरी क्रांति। तो ये आज के टोटल प्रश्न थे जो मुझे मिले हैं, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत मुझे मालूम है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।